now let's move on to the explanation of third paragraph in which there are following complex words. the first complex word is reprimanded. in english it means rebuked. the second word is censure. in english it means harsh criticism or disapproval. the third complex word is smeared. in english it means coat or cover. the next word is earthen bowl. जिसका उर्दू में मतलब है मटी का प्याला इन इंग्लिश इट मीन्स बाउल मेड ऑफ क्ले और सॉइल द नेक्स्ट कम्प्लेक्स वर्ड इज प्रोलोंग जिसका उर्दू में मतलब है बढ़ाना इन इंग्लिश इट मीन्स एक्सटेंड द सेकेंड लास्ट वर्ड इज स्ट्रे जिसे उर्दू में भटक जाना कहते हैं इन इंग्लिश इट मीन्स वॉन्डर अवे ड्रिफ्ट और लूज वंस वे एंड द लास्ट कंप्लेक्स वर्ड इज पाउडर टोबैको जिसका उर्दू में मतलब है नस्वार इन इंग्लिश इट मीन्स स्नफ अब पैराग्राफ नंबर थ्री में राइटर हमें यह बताता है कि जब मौलवी की सबसे बड़ी बेटी मेहरुन नसा चौदह साल की हो जाती है तो उसकी नमाजों में और शिद्दत हो जाती है और उसकी नमाजें बहुत लंबी हो जाती हैं अब वो हमेशा की तरह तरावी की नमाज पढ़ता था रमज़ान में लेकिन अब वो ये करता कि नमाज के दौरान वो कभी एक सूरत से दूसरी सूरत की तरफ गलती से चले जाता और कभी वो एक ही सूरत या एक ही चैप्टर को बार बार रिपीट करने शुरू हो जाता फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि चौधरी फतेह दाद ने जो कि उसी के गाँव के रहने वाला था और बोर्ड का मेम्बर था उसने उसको इसकी गलती पे डांटा कि ये तुम क्या करते हो कि बार बार इस तरह की मिस्टेक्स कर रहे हो अब इस पे फ़ौर से मौलवी साहब जो है वो चिल्ला के उसको कहते हैं कि आपकी तो सिर्फ़ बेटे हैं ना अगर आपकी कोई एक बेटी होती तो आपको भी पता चल जाता कि क्यों आखिर मैं नमाज के दौरान एक ही सूरह का चैप्टर बार, बार बार पढ़ता हूँ अब जो चौधरी फतेहदा था वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था अब उसकी इंटेंशन एक मज़बी लिहाज से थी कि यह कुरान की मिस्टेक कर रहा है इसको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक बहुत ही अमीर और बहुत ही नक इंसान था फिर राइटर हमें उसके बारे में यह बताता है कि वो बंदा कई सालों से मौलवी साहब के लिए शाम को रोज़ खाना बेचता था और वो खाने में एक रोटी बेचता था जिस पे घी लगा होता था यानी कि वो घी से तर की हुई बहुत ही अच्छी रोटी बेचता था और एक दाल से भरी हुई बाउल बेचता था और कभी अगर ऐसा हो कि वो खाना लेट हो जाए तो वो खुद आता और माजरत करके कहता कि मौलवी साहब मेरी बेगम बीमार हैं जिसकी वजह से मेरी नौकरानी ने खाना बनाया और मैं खुद आके आपको दे रहा हूँ और वो बहुत ही एक आजज़ इंसान था और वो इस सारे काम को यानी कि मौलवी साहब के खाना लाने को अपनी एक खिदमत समझता था और यहाँ पे यह पैराग्राफ खत्म हो जाता है आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन वेरी वेल थैंक यू